श्री राम सभी भाइयों को। तो मार्च का ब्लॉग कुछ धमादार होने वाला है, धमाकेदार। तो ये सामान देख रहे हैं, पैकिंग चल रही है, निकल पड़े पहाड़ों पे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे ना। फिर सभी लोगों ने हमें पनारा मतलब छोड़ दिया, जो बाय बाय टाटा करते हैं, तो फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। पैकिंग वैकिंग करके सामान होता है बहुत ज़्यादा, तो हम निकल जाते हैं यहाँ से। जी तो राम राम सभी को, हम मैं और नितिन निकल गए हैं, दोनों लोग बढ़िया एकदम, रोक के बताते हैं आराम से। और धूप हो रही बहुत ज़्यादा, बाकी मैं सामान दिखा रहा हूँ कैसा कैसा कैसी ना, ठीक है। बाहर देख लो भाई सामान, योगी जी मोदी जी जय श्री राम। पूरा दिमाग खराब ही हो गया यार, गर्मी में टायर पंचर हो गया यार, खतरनाक एकदम, मतलब धूप हो रही ऊपर से और टायर पंचर हो गया। क्या उम्मीद थी तुम्हें, कैसा लग रहा है? दो दो हेलमेट भाई, देखते हैं दुकान छुट्टी कराएंगे से, और बाकी तो मिलते ही। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, क्या करें, किस्मत ही धोखा दे रही है। नितिन भाई पता नहीं कौन कौन से रोक कर खाए, खाली स्कूटी यार हवा कम होगी इसमें, बाकी देखते हैं यार स्कूटी अब ठीक कराएंगे फिर ले लेंगे यहाँ से। यार पहुँच गए हल्द्वानी से, थोड़ा पीछे हैं, लगभग 10 किलोमीटर पीछे हैं, लाल कुआँ पहुँच गए, लाल कुआँ से निकल गए, देखो ये वाला हाईवे है पीछे। तो हाँ जी, तो भोलेनाथ की कृपा से शॉप मिल गई और अपना मतलब पिंचर दिखाने लगे, तो उसमें यार एक बहुत बड़ी की निकली, तो वह पिंचर ठीक कराया, फिर वहाँ से चेक वेक कराया, हमने कहा आगे वाला भी चेक ही कर लो, पहाड़ों में दिक्कत आएगी, फिर हम वहाँ से चेक करा के और कंटिन्यू रहते हैं। फिर आगे अभी तो पिंचर निकला यार उसमें, तो अच्छे को यहाँ दिखा लिया, वरना ऊपर रहते तो दिक्कत आती है, ऊपर शॉप मिलती नहीं, तो ऐसा ही रहता वहाँ पर भी ख़राब रहता, पूरा मूड ख़राब हो जाता। तो बाकी यहाँ करवाते हैं फिर और निकलते हैं यहाँ से जल्दी, टाइम भी काफ़ी हो रहा, लगभग बच गए 3:30 के समय, काफ़ी पिक्चर लग गया भाई। तो अब निकलते हैं ये धनों से, बाकी तो अभी मामा के यहाँ भी जाना है मुझे, वहाँ से हेलमेट चेंज करूँगा अगर ये वाला हो जाए, क्योंकि नितिन का ये वाला हेलमेट है, इस वाले में मज़ा आता है जो मेरा मेरे पास है। बाकी तो निकलते हैं यहाँ से और 4 बज गए पूरे यहाँ, ठीक है तो चलते हैं। तो भाई गाड़ी करा ली फुल अपनी, छमो सब रिलायंस ही करवाया, क्योंकि रिलायंस का पेट्रोल हमेशा हमारा बेस्ट रहता है। बाकी पानी वानी पीते हैं। नहीं तो कैसा मज़ा आ रहा है, मज़े आ रहे हैं भाई, मज़े आ रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम है, ठीक है, तो क्या आपकी भी शौक थे पहले, क्या आप भी चलाते थे कि आप भी खेलेंगे यहाँ पे? और दिखा देते भाई, और कुछ बता दें, हमारा तो था हमारा था पहले, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हम तो हमें पता चला कि हमारे औकात से बाहर आई ये सब चीज़ें। पहले क्या बढ़िया कहीं उसमें कहीं, फिर हम तैयारी करें अकेडमी ज्वाइन करें, तो इतना पैसा नहीं था हमारे पापा के पास, क्यों नहीं थे, लाख लाख फीस है इसमें, तो फिर कहाँ ही कर सकते हैं, दूर से ही देखते काम के, बाकी वक्त के साथ साथ सपने चेंज होते गए यार, पहले दूसरे थे अब दूसरे हैं, अब कल क्या अब तक दूसरे हो, बाकी तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग खुद ही है। तो बैग को कर लिया शिफ्ट, ये बड़ा वाला बैग पीछे, और पैरों में दिक्कत हो रही थी, और पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं अब, तो बाकी तो पैर मतलब करना ही पड़ेगा। नितिन कैसा जोश है, जोश रहा या नहीं भी रहा, बहुत है क्योंकि फट चुकी है, नहीं नहीं सही में फट चुकी है, क्योंकि हालत खराब हो चुकी है, नीचे से जो बैठने का इंतजाम वो बिल्कुल सूख गया है, क्योंकि बाइक से खराब है तो तब तो ठीक है, बाइक से तो और ज़्यादा खराब, बाकी पुराना वराना कुछ है यहाँ पे बना हुआ देखो, और इस साइड से जी। तो हम रुक गए हैं, रेस्ट दे दिया है अपने पाठों को, मतलब अपने आपको रेस्ट दे दिया और गाड़ी को भी रेस्ट दे दिया, देखो सामान तो है ही, ये लग रही है हम पता है कहीं जाते तो हमें ये लग रहा है, ऐसे देखते हैं लोग जैसे हम क्या कहते हैं कुछ सामान वामान बेचने वाले हैं, पीछे अपने योगी जी मोदी जी, और इधर देखो इधर ये सामान तक का। तो बाकी यही सीन है, पीछे का माहौल देखो खतरनाक, भीमताल पहुंचने में 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर समथिंग पीछे रह गए, बाकी मैं एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, चेस्ट बराबर में भुजंग हो गई, चल के भुजंग हो गई है, ऐसी चली है। तो बाकी थोड़ी बहुत टाइम रेस्ट करते हैं हम यहाँ पे ही, और उसके बाद पहुँचेंगे। आज जी तो पहाड़ों में आने का मज़ा पता है क्या है, क्यों नितिन मज़ा पता है क्या है, दिखाऊँ अभी क्या है भाई, खतरनाक एक नंबर, मतलब ऐसा सीन दिखा रहे हैं ना,
सी हटती जा रही, क्या बात है जी। ऐसा सीन है ना इस टाइम पे, एक नंबर। और इससे थोड़ा नीचे मतलब थोड़ा टाइम बाद तो ऐसा ही सीन होगा ना यहाँ का, देखने लायक कुछ। बाकी तो हम ही देख सकते हैं, जब तुम नहीं आओगे तो कैसे देखोगे, वीडियो में दिखा देते हैं यार। ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिखाई दे। लो जी, तो व्यू चेक करो, अभी उतरे नहीं है, अभी देखो गाड़ी पे ही है, बिल्कुल सामान वामान फिट है अभी। तो हमें जहाँ आना था हम वहाँ तो आ गए, अब वहीं रेस्ट करने की जगह ढूंढते हैं और चाय बनाएंगे, फिर अपने आप ही बनाएंगे, फिर पियेंगे अपने आप। और बाकी व्यू चेक करो, ये है। तो थोड़ी बहुत देर में आराम से अपने घूमेंगे, शांति से बिल्कुल। ठीक है नितिन, बाकी अपनी जगह ढूंढते हैं रेस्ट करने की, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, हमें यहीं आना था तो हम यहाँ आ गए हैं, आज यहीं रुकेंगे, अब कल यहाँ से और कहीं जाएंगे भीमताल से, आज तो फिलहाल भीमताल ही रुकेंगे। ठीक है, बाकी ये देखो ये लोग सब बोटिंग कर रहे हैं, बढ़िया माहौल है। लास्ट टाइम हमने यहाँ बोटिंग की थी तो बारिश आ गई थी यार यहीं पर। बाकी तो देखते हैं सीन। तो जी इधर तो देखो पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं, थोड़ा आगे दिख नहीं पा रहा होगा। तो बाकी अब हाँ हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पे इसी जगह देखो बढ़िया सा मौसम हो रहा है, बढ़िया भी हो रहा है। यहाँ पे अपना नाश्ता वास्ता करेंगे जो लेके आए घर से। बाकी नितिन स्कूटी ले आओ, तो इधर लगा ले रहे हैं। बाकी तो अपना चाय रेडी, ठीक है, इससे बना लिया था सारा कुछ सिस्टम ही। और व्यू चेक करो, बाकी जल्दी जल्दी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, भूख लग रही बहुत सारी यहाँ के मौसम में। और ये घर की कचौड़ियाँ क्या ही स्वाद, और साथ में चाय अपने हाथ की, क्यों नितिन। तो बाकी लपेटते हैं, नाश्ता वास्ता तो हो गया बढ़िया, और अब यहाँ से निकलते हैं। जूते वूते पहने थे, अब चप्पल वप्पल पहनेंगे, चेंज करेंगे सब कुछ, यहाँ से चलते हैं अब। और अब निकलेंगे रूम वूम, मतलब रूम वूम क्या, अपना ठिकाना देखने के लिए, तो चलते हैं। ओके, ओ भाई ऐसे ही मजे कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, जो बोझ है बोझ से तो लेकर घूमना ही, चारा तो पड़ गया पेट में। ठीक है, बाकी तो नैनी लेक का वो नैनी की भीमताल लेक का व्यू तगड़े तगड़े। बाकी अपनी स्कूटी धन में चल रही है और इसमें भी वोटिंग हो रही है, शाम का वक्त है, बढ़िया था। फिर शाम को हमने कराया मोमो पैक और झील पे जाके बैठ गए साइड से। हाँ जी, तो अपना मोमो और चटनी बढ़िया, और देखो क्या स्वाद आ रहा है, फिर अलग ही मजा आ रहा है। तो ये क्या होता भाई, ये क्या होता है, ये थोड़ी होता है, वैसे मजा आ रहा है ये। चलो ठीक है, का कुछ ये व्यू है भीमताल का, देखो बढ़िया था, एक नंबर है ना। है इधर साइड देखो गाड़ी चल रही है, इधर साइड पुलिस जा रही है, इधर साइड तुम्हारा भाई खड़ा है, और इधर साइड नितिन है, नितिन गटकारी। बढ़िया बढ़िया नितिन, बढ़िया मज़ा आ रहा हो ना, पता बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो फुल मज़ा आ रहा है, बाकी तो ऐसे चल रहा है, अपना घूम ही रहे हैं मज़े से। अपना भाई मिल गया था एक यहाँ पे, तो मैंने वैसे तो सोच रहा था टेंट वेंट लगाएंगे, लेकिन टेंट नहीं लगाया क्योंकि वो भाई मिल गया तो उसके रूम पे, यहीं पे रहता है ना वो, काम वाम करता है यहीं पे, तो यहीं पे ही रहता है, उसके रूम पे आज रुकेंगे वहीं पे। अचानक से मिल गया, क्यों कितना यार मदद मिली उससे यार, बढ़िया लौंडा यार होता है जानता है। तो बाकी वहीं पे रुकेंगे और थोड़ा बहुत घूमते हैं, फिर वहीं पे पहुंचेंगे। यही माहौल है यार, तगड़ा माहौल है यार, नज़ारे हैं यहाँ के कुछ। मार्केट में जाम ही जाम है, क्या करें भैया बताओ। ओ भैया घूम यहाँ, जाम देखे तुम्हारा, ये बताओ। बाकी ये मार्केट देख लो, मार्केट आंटी जी आगे बताओ, ये मार्केट है भीमताल की, तो यही सीन है देख लो। जवाले में, जवाले होटल में रुकता था भाई, देखो पहले मैं पहले कभी आया था दोस्तों के साथ, या कराना होटल, कनारा करान, अरे लेना नहीं आ रहा नाम, कराना करारा कनारा, हाँ हाँ जो भी है। बाकी तो जी लास्ट टाइम हम पता है यहाँ पे रुके थे, देखो यहाँ पे जस्ट रुके थे, वहाँ कार खड़ी हुई थी, यहाँ स्कूटी खड़ी अपनी अभी, वहाँ पे कार खड़ी हुई थी और यहाँ पे रुके थे हम। देवे सुबह से हम सारे लोग आए थे अलंकित अलंकित साथ में, तो इसी वाले गार्डन में रुके थे हम लास्ट टाइम। तो मैंने नितिन को दिखाने ले आया, मैंने कहा इस वाले गार्डन में भी घूम ले भाई, झील वील सारी जगह तो घुमा दी मैंने से। बाकी तो यहाँ का नज़ारा देख लो, तकड़ा यार, चारों तरफ से ही पहाड़ी पहाड़ है। इनका चलो ये भी दिखा देते हैं, लेकिन उस टाइम की मुझे याद आने लगी, मैं यहाँ पर मतलब उस टाइम रुके थे हम यहाँ पे सारे लोग, तो उस टाइम की याद आने लगी कि यार ऐसा करा था। तो बाकी यार उसी जगह पे आओ तो याद आने लगती है उसी, मतलब सब कौन कौन था साथ में हमारे, ये वो सब, तो अच्छा लगता है यार उस जगह पे आ गए। तो बाकी तो घूम ही रहे हैं, पैदल चप्पल अप्पल पहन लिए, ऐसे घूम रहे थे यहीं के रहने वाले हैं। बाकी गार्डन में है ही नहीं कोई यार, थोड़ी देर पहले सब थे इसमें, तो बाकी चलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी,
तो रात तो मैं सो गया था यार, और मतलब ब्लॉग एंड करना भूल गया। तो बाकी आई होप आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग, तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज का दिन नए ब्लॉग में मतलब वो करते हैं स्टार्ट, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखना। तो सभी को राम राम, जय श्री राम, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। तुम रात में मतलब क्या आप तो शाम को देख रहे हो, मैं तो सो भी उठाऊँ। तो सभी का दिन अच्छा हो, ठीक, बाय, टाटा।